अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी की ढाबे स्टाइल वाली सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने लिए हैं आधे किलो आलू, जिन्हें हमने धोकर साफ़ कर लिया है, छील लिया है और इन्हें लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और हमने लिया है आधे किलो गोभी, जिसके हमने थोड़े बड़े बड़े ही टुकड़े करके इसको भी धो लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी डीप फ्राई करना है गोभी और आलू को। तेल गर्म होने के बाद अब हम गोभी को तलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे और हमें इसको इतना फ्राई करना है कि तब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर इस पर चल जाए और थोड़ा सा ये कुक हो जाए, गल जाए। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से हमारा ब्राउन कलर का हो गया है और ये गल भी चुका है। तो अब हम इसको एक छन्नी में निकाल कर इसका एक्स्ट्रा ऑयल स्ट्रेन करने के लिए अलग साइड में रख देंगे। इसमें कटे हुए आलू डालकर इन्हें भी हमें डीप फ्राई करना है। तो इन्हें भी हमें इतना करना है कि ये थोड़े गल जाएं और उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाए। और अब हमारे ये आलू भी हम देख सकते हैं कि देखिए अच्छे से इस पर कवरिंग आ गई है, ब्राउन कलर के ये भी हो गए हैं और ये भी गल चुके हैं लगभग 90% तक। तो बाकी के जो लास्ट में हम सब्ज़ी में इन्हें बनाएंगे तो वो हो जाएंगे। तो इतना ही हमें इसे गलाना है और फिर से हमें छन्नी में स्ट्रेन करके इनको साइड में रख देंगे, तब तक इनका ऑयल निकल जाएगा एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो ज़्यादा तेल हमने लिया था वो तो हमने फ्राई करने के लिए लिया था, तो हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देंगे। बहुत थोड़े से तेल में सब्ज़ी को बनाएंगे क्योंकि अब वो डीप फ्राई हो चुके हैं तो उनमें भी ऑयल है ही और अब वो गल भी जाएंगे आसानी से, तो यहाँ पर ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस ऑयल में हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेशन अच्छा होता है। और डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा और डालेंगे 2 साबुत खड़ी मिर्ची। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज और इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कि हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है तो आप हींग से इसमें तड़का लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और साथ ही डाइजेशन भी आपका अच्छा रहेगा। आधा मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी, जिसे हमने एक ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऑयल देख बिल्कुल बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम ऑयल की इसमें ज़रूरत है क्योंकि डीप फ्राइड है हमारी सब्ज़ियाँ। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से भी आपका सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड हो जाता है। और डालेंगे नमक, नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने हिसाब से डाल लें। और इन मसालों को आप थोड़ा सा भूनें, टमाटर में भी जो पानी रहेगा उसके साथ ही अच्छे से भुनेंगे, पहले आप उसके साथ उन्हें भूनें। टमाटर का पानी सूखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करके और मसाले को भूनेंगे, क्योंकि जितने अच्छे से मसाला भुन जाएगा उतनी ही स्वादिष्ट, उतनी ही लाजवाब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो पानी डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि सब्ज़ियाँ हमारी गली हुई है, मसाला हम यही अच्छी तरह से भून लें क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आपको कुकिंग टाइम नहीं लगाना है। तो यहाँ पर अच्छे से मसाले को भून लीजिए। अब हम देख सकते हैं हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से भून गया है। देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब मसाला हमने बड़ी अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने डीप फ्राइड आलू, साथ ही इसमें हम डाल देंगे गोभी भी। अब थोड़ा सा सब्ज़ी को हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अपनी सब्ज़ी को। इसमें हम डाल देंगे 2 मिर्ची, हमने हरी इसमें बारीक काट लिया है और 2 मिर्ची के हमने थोड़े लंबे स्लाइसेस कर लिए हैं तो ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हम मिर्ची को डाल देंगे और इसको चला लेंगे। तो हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें खोल कर देख लेंगे सब्ज़ी को। ये देखिए देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में और भी मज़ा आएगा। इसे आप पराठों के साथ, पूड़ी के साथ या चपाती के साथ, चपाती में आप हल्का सा घी लगा लें उसको खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगती है सब्ज़ी, बहुत ही लजीज लगती है। और अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। देखें आलू गल चुके हैं क्योंकि 90% वो डीप फ्राई होने में गल गए थे, बाकी जो 10% की कसर रही थी वो यहाँ पर सब्ज़ी में पूरी हो चुकी है, तो ये अच्छी तरह से गल गए हैं। यहाँ पर आपको इसको ओवर कुक नहीं करना है, ये सब्ज़ी थोड़ी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। और अब इसको लास्टली गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसमें अब डाल दें फाइनली गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, इससे सब्ज़ी आपकी और अच्छी लगने लगेगी, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे एक सर्विंग बाउल में। देखिए सूखी सब्ज़ी है, टिफ़िन में भी आराम से जा सकती है,
या पिकनिक पर जाएं तो बना कर ले जाएं और पूड़ियों के साथ इसका मज़ा लें। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बिल्कुल ढाबा स्टाइल परफेक्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखने के बाद आप इसे ट्राई ज़रूर करें और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।